अपनी अंग्रेजी के लिए अलग पहचान रखने वाले कांग्रेस के नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर अपनी गलतियों से चर्चा में हैं। शशि थरूर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बीच ट्विटर पर अंग्रेजी को लेकर एक जंग छिड़ गई है। इसकी शुरुआत थरूर के एक ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने दो शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखी थी। थरूर की इस गलती को अठावले ने पकड़ लिया और थरूर पर तंज कसते हुए उनकी गलतियों को ट्वीट्स पर रीट्वीट कर दिया। अब शशि थरूर ने इस पर पलटवार किया है और इसे जेएनयू से जोड़ दिया है। अब इस पूरे मसले पर सोशल मीडिया पर भी घमासान छिड़ा है। आपको बता दें कि शशि थरूर अपनी अंग्रेजी में भाषण देने की शैली और सोशल मीडिया साइट्स पर नए नए अंग्रेजी शब्दों के लिए चर्चा में रहते हैं। आखिर शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया है जिस पर अठावले ने पलटवार किया है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में भाषण देने के बाद ट्विटर पर रामदास अठावले की तस्वीर शेयर करते हुए बजट पर तंज कसा। थरूर ने लिखा कि करीब दो घंटे तक बजट भाषण के बाद मंत्री रामदास अठावले की तस्वीर सब कुछ बोल रही है। थरूर ने लिखा कि तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि मंत्री को भी बजट समझ नहीं आया। हालांकि शशि थरूर ने इस ट्वीट में बजट की स्पेलिंग गलत लिख दी। शशि थरूर की गलती पर अठावले ने रिप्लाई किया कि शशि थरूर जी, आपके ट्वीट्स में कई सारी गलतियां हैं, जैसे बाइटगट और रिले की जगह बजट और रिप्लाई होगा। अठावले का यह ट्वीट सोशल मीडिया में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके जवाब में शशि थरूर ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। थरूर ने इसके लिए लापरवाही से टाइपिंग को जिम्मेदार ठहराया। अपने ट्वीट्स में शशि थरूर ने लिखा कि लापरवाही से टाइपिंग करना खराब अंग्रेजी से बड़ा पाप है, लेकिन चूंकि आप सिखा रहे हैं तो जेएनयू में कोई है जो आपके ट्यूशन का लाभ उठा सकता है। शशि थरूर का इशारा जेएनयू के नई कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित की ओर था, जिन्हें प्रेस रिलीज में व्याकरण संबंधित गलतियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कांग्रेस सांसद शशि थरूर देश में ट्विटर पर सबसे पहले आने वाले नेताओं में से हैं। थरूर कई बार अपने कठिन अंग्रेजी शब्द लिखने की वजह से चर्चा में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अटैक करते हुए थरूर ने एलोडॉक्साफोबिया शब्द का प्रयोग किया था। थरूर के इस शब्द को लोगों ने डिक्शनरी में ढूंढना शुरू कर दिया था, हालांकि बाद में खुद थरूर ने इसका अर्थ बताया। थरूर इसके अलावा कई और शब्दों को लेकर भी चर्चा में आ चुके हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।